अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक और सपा नेता पर कोरोना का अटैक। अब तक सपा के 4 नेताओं को हो चुका है कोरोना। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ पूर्व सांसद को भी हुआ था कोरोना। अब समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश प्रधान को हुआ कोरोना। सपा नेता में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि के बाद मचा हड़कंप। सपा कार्यकर्ता जल्द स्वस्थ होने की कर रहे हैं दुआ। आम से खास होते कोरोना की चपेट में अब जन प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। नेताओं में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने हर किसी की पेशानी पर परेशानी के भाव ला दिए हैं। खासकर सपा की बात की जाए तो एक के बाद एक सपा नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब तक सपा में 4 लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है, जिसमें पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। अब एक और सपा नेता में कोरोना के संक्रमण का पता चला, जिसके बाद सपा के तमाम नेता भी कोरोना की जद में आने के खतरे को महसूस कर रहे हैं। पता चला है कि समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी को कोरोना हुआ है, जिसके बाद से सपा कार्यकर्ताओं में चिंता देखने को मिल रही है। वहीं जो लोग अरविंद के संपर्क में रहे उनको भी डर सता रहा है कि कहीं उनको भी कोरोना का संक्रमण न हो गया हो। हालांकि फिलहाल कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, वहीं अरविंद गिरी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने लॉकडाउन के वक्त प्रवासी मजदूरों के साथ साथ समाज के गरीब तबके की काफी मदद की थी और लोगों के बीच हर परेशानी में वो खड़े दिखाई दिए थे। अब उनको कोरोना का संक्रमण हुआ तो जिन लोगों की उन्होंने मदद की थी अब वो लोग परेशान दिख रहे हैं और अपने नेता के जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। मामले में सपा कार्यकर्ता भी अपने नेता की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। अरविंद गिरी की हालत में तेजी से सुधार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल वो अस्पताल में हैं और उनका इलाज चल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल्द ही अरविंद गिरी ठीक हो जाएंगे और जमीन पर उतरकर फिर से पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।